मराठा आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जनांगे ने घोषणा की है कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने जनांगे से मुलाकात की। इसमें संदीपान भूमरे और शंभुराज देसाई शामिल थे। जनांगे ने कहा कि उन्होंने सरकार को एक महीने का वक्त दिया है, अगर सरकार ने एक महीने में काम नहीं किया तो वो सीधे विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार के पास 13 जुलाई तक का वक्त है। उनसे मुलाकात के बाद मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि जरांगे के संघर्ष की वजह से मराठाओं को 10% आरक्षण मिला है। मराठा आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे ने घोषणा की है कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने जरांगे से मुलाकात की। इसमें संदीपान भूमरे और शंभुराज देसाई शामिल थे। जरांगे ने कहा कि उन्होंने सरकार को एक महीने का वक्त दिया है, अगर सरकार ने एक महीने में काम नहीं किया तो वो सीधे विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार के पास 13 जुलाई तक का वक्त है। उनसे मुलाकात के बाद मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि जरांगे के संघर्ष की वजह से मराठाओं को 10% आरक्षण मिला है।